हेलो एवरीवन, दिस इज मनोज, योर इंग्लिश कोच। वेलकम टू लव इंग्लिश। और आज के लेसन में हम सेंटेंसेस फॉर डेली यूज यानी कि रोजाना बोले जाने वाले वाक्य को डिस्कस करेंगे। लेसन स्टार्ट करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग लेसन्स। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। आई गेट अप एट 5 o'clock, मैं 5 बजे उठता हूँ। आई चेक माई मोबाइल मैसेजेस, मैं अपने मोबाइल संदेशों की जाँच करता हूँ। एवरी डे आई गेट मैनी मैसेजेस, हर दिन मुझे कई संदेश मिलते हैं। आई डोंट लाइक सेम मैसेजेस, मुझे कुछ संदेश पसंद नहीं हैं। आई ब्रश माई टीथ फॉर 3 मिनट्स, मैं अपने दांतों को 3 मिनट तक ब्रश करता हूँ। आफ्टर ब्रशिंग टीथ आई बेथ, दांतों को ब्रश करने के बाद मैं स्नान करता हूँ। आई प्रिपेयर माई ब्रेकफास्ट, मैं अपना नाश्ता तैयार करता हूँ। I take bread and milk at breakfast. मैं नाश्ते में रोटी और दूध लेता हूँ। At 9 o'clock, I leave for school or office. 9 बजे मैं स्कूल या ऑफिस के लिए निकलता हूँ। My office is 5 kilometers away from my home. मेरा ऑफिस मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर है। Generally, I take an auto to reach my office. आमतौर पर मैं अपने कार्यालय पहुंचने के लिए एक ऑटो लेता हूं। आई डोंट लाइक द क्राउड ऑन द रोड, मुझे सड़क पर भीड़ पसंद नहीं है। वाइल वॉकिंग आई लाइक टू लिसन टू द सॉन्ग, चलते समय मुझे गाना सुनना पसंद है। देर आर मैनी सॉन्ग्स ऑन माई फोन, मेरे फोन में कई गाने हैं। देर आर मैनी ऐप्स ऑन माई फोन एज वेल, मेरे फोन में कई ऐप भी हैं। माई फेवरेट ऐप इज फेसबुक, मेरा पसंदीदा ऐप फेसबुक है। आई ऑल्सो लाइक वॉचिंग वीडियोज ऑन यूट्यूब, मुझे यूट्यूब पर वीडियो देखना भी पसंद है। आई स्पेंड अराउंड 2 hours ऑन यूट्यूब, मैं यूट्यूब पे लगभग 2 घंटे बिताता हूँ। आई गेट टू लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम वॉचिंग वीडियोज, मुझे वीडियो देखने से कई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। माई फेवरेट चैनल इज लव यू इंग्लिश, मेरा पसंदीदा चैनल लव यू इंग्लिश है। हियर आई फाइंड मैनी इंटरेस्टिंग लेसन्स टू लर्न इंग्लिश, यहाँ मुझे अंग्रेजी सीखने के लिए कई दिलचस्प पार्ट मिलते हैं। आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश विद पीपल, मैं लोगों के साथ अंग्रेजी बोलने की कोशिश करता हूँ। इट टेक्स अराउंड 30 मिनट्स टू रीच द ऑफिस, कार्यालय तक पहुँचने में लगभग 30 मिनट लगते हैं। Sometimes I get stuck in traffic. कभी-कभी मैं ट्रैफिक में फंस जाता हूँ। Tonight I'll watch a movie. आज रात मैं एक फिल्म देखूँगा। It's been a long time since I watched any movie. किसी भी फिल्म को देखे हुए मुझे एक लंबा समय हो गया है। My life has been busy lately. मेरा जीवन हाल ही में व्यस्त हो गया है। There's a work pressure all the time. हर समय काम का दबाव रहता है। I would like to spend some time with my family. मैं अपने परिवार के साथ कुछ समय बिताना चाहूँगा। I plan to take them to Kerala. मैं उन्हें केरल ले जाने की योजना बना रहा हूँ। Presently I'm broke. वर्तमान में मैं कंगाल हूँ। I really need to work hard and save some money. मुझे वास्तव में कड़ी मेहनत करने की और कुछ पैसे बचाने की आवश्यकता है। Are you coming with me to the movie? क्या आप मेरे साथ फिल्म देखने आ रहे हैं? Trust me, this movie is very interesting. मेरा विश्वास करो, ये फिल्म बहुत दिलचस्प है। Today, I have much work to do. आज मुझे बहुत काम करना है। Don't worry, I'll handle it. चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। When are you going to the party? आप पार्टी में कब जा रहे हैं? Can you pick me at 8 from my office? क्या आप मुझे अपने कार्यालय से 8 बजे ले सकते हैं? I'll pick you up at sharp 8 from your office. मैं आपको आपके कार्यालय से ठीक 8 बजे ले जाऊंगा। Should I bring my friend as well? क्या मुझे अपने दोस्त को भी लाना चाहिए? Sure, why not? ज़रूर, क्यों नहीं? Let's meet at 8.
चलो 8 बजे मिलते हैं। आई एम गेटिंग अ कॉल, मुझे फ़ोन आ रहा है। लेट मी सी हु दिस इज, मुझे देखने दो कि ये कौन है। द कॉल इज़ फ्रॉम माई मॉम, कॉल मेरी मम्मी का है। टुडे आई हैव टू रिप्लाई टू मैनी ई मेल्स, आज मुझे कई मेल्स का जवाब देना है। लास्ट वीक आई वॉज ऑन लीव, पिछले हफ्ते मैं छुट्टी पर था। आई हैव अ लॉट ऑफ पेंडिंग वर्क, मेरे पास बहुत से काम लंबित हैं। कैन यू लेंड मी सम मनी, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो। कैन आई बोरो योर कोट, क्या मैं आपका कोट उधार ले सकता हूँ। आई नीड योर एडवाइस ऑन दिस, मुझे इस पर आपकी सलाह चाहिए। वुड यू हेल्प मी विथ माई वर्क, क्या आप मेरे काम में मेरी मदद करेंगे। माई डे हैज बीन अ हैक्टिक वन, मेरा दिन काफ़ी व्यस्त रहा। लेट्स गो टू पार्क फॉर अ वॉक, टहलने के लिए पार्क में चलें। आई हैव टू पे रेंट ऑन द 5th, मुझे 5 तारीख को किराया देना होगा। माई लैंडलॉर्ड हैज बीन कॉलिंग फॉर सम टाइम, मेरा मकान मालिक कुछ समय से फ़ोन कर रहा है। वुड यू लाइक टू गो टू द मार्केट विथ मी, क्या आप मेरे साथ बाजार जाना चाहेंगे। आई एम गोइंग टू बाई सम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, मैं कुछ सब्जियाँ और फल खरीदने जा रहा हूँ। आई डोंट लाइक टेकिंग ऑफिस वर्क होम, मुझे ऑफिस का काम घर ले जाना पसंद नहीं है। आई ट्राई टू फिनिश माई वर्क फास्ट, मैं अपना काम तेजी से खत्म करने की कोशिश करता हूँ। आई एम गेटिंग बोर्ड, मैं उब रहा हूँ। डू यू हैव एनी आइडिया, क्या आपके पास कोई आइडिया है। आर योर फ्रेंड्स कमिंग ओवर फॉर डिनर, क्या आपके दोस्त डिनर के लिए आ रहे हैं। आई एम गोइंग टू फिनिश दिस मूवी, मैं इस फिल्म को ख़त्म करने जा रहा हूँ। इट्स गेटिंग कोल्डर एवरी डे, ये हर दिन ठंडा हो रहा है। आई नीड टू वॉश माई क्लोथ्स, मुझे अपने कपड़े धोने की ज़रूरत है। हु विल डू द डिशेज टुडे, आज के बर्तन कौन करेगा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, आपको इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आई नीड टू गेट अ न्यू फोन, मुझे नया फ़ोन लेने की ज़रूरत है। आई प्लान टू बाई एन आईफोन, मैं एक आईफोन खरीदने की योजना बना रहा हूँ। माई बाइक हैज़ रन आउट ऑफ पेट्रोल, मेरी बाइक में पेट्रोल ख़त्म हो गया है। वुड यू माइंड शिफ्टिंग दिस, क्या आप इसे हटाना पसंद करेंगे। आई नीड टू कॉल माई मॉम, मुझे अपनी मम्मी को फ़ोन करने की ज़रूरत है। आई एम नॉट फीलिंग वेल, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। आई नीड टू सी द डॉक्टर, मुझे डॉक्टर को देखने या मिलने की ज़रूरत है। द डॉक्टर्स क्लिनिक इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, डॉक्टर का क्लिनिक बस कोने पर है। आज का लेसन अटेंड करेंगे, थैंक यू सो मच। अगर आपने लेसन एंजॉय किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें नॉलेज अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्वेश्चंस को कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर इंटरेस्टिंग लेसन्स। अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश।